गाइस आखिर वो दिन आ ही गया जब निकलने का टाइम हो चुका है। न्यू दिल्ली से हम लोग जा रहे हैं शिमला, और शिमला में जो आपके लिए एंटरटेनमेंट का मैं खजाना लेकर के आऊंगा, आपको देख करके मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। और उससे पहले आपको दिखाऊंगा न्यू दिल्ली से कालका शताब्दी की जर्नी, और उसके बाद हम चलेंगे टॉय ट्रेन की मस्ती करते हुए, आपको दिखाएंगे। बैग रेडी है, किरदार रेडी है। किरदार कैसा लग रहा है बताओ? बैग पहन लो। चलो बैग पहन लो। न्यू दिल्ली थर्सडे 4 मार्च 5:35 AM और हम निकल चुके हैं ठीक 6 बजे सुबह सुबह घर से, और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे। सुबह 6:30 बजे हम खड़े हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। हालांकि ये है अजमेरी गेट साइड, और हमें जाना चाहिए था पहाड़गंज साइड में, क्योंकि वहीं से पड़ता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जहां पर हमारी खड़ी है कालका शताब्दी। ये देखिए दोस्तों, कालका शताब्दी आ चुकी है, और थोड़ी ही देर में ये राइट टाइम 7:40 पर अपने प्लेटफॉर्म से चलेगी और पहुंचेगी 11:40 पर कालका। आइए अब आपको इस ट्रेन की डिटेल जानकारी दे देते हैं। दोस्तों मैं जिस ट्रेन में बैठा हूं वो है न्यू दिल्ली कालका शताब्दी स्पेशल ट्रेन, जो कोविड के दौरान चल रही है। ट्रेन संख्या है 02011। इसमें दो तरह की कार होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव कार और दूसरी होती है चेयर कार। मैं बैठा हूं चेयर कार के अंदर, जिसका फेयर है अभी 615 रुपीज। हालांकि डायनेमिक प्राइसिंग है, और लगभग एग्जीक्यूटिव कार का फेयर है 1110 रुपए। सुबह 7:40 से चलने वाली यह ट्रेन लगभग 11:45 पर हमें पहुंचा देती है कालका रेलवे स्टेशन, जहां से हमें अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी होती है शिमला के लिए। अब दोस्तों आपके इसके स्टेशन के बारे में जानकारी देना स्टार्ट करता हूं। न्यू दिल्ली से चलकर के 7:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये पहुंचती है लगभग 8:51 पर पानीपत रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का हॉल्ट है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कुरुक्षेत्रा, 9:37 पर 2 मिनट का इसका वेट है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकती है। उसके बाद पहुंचती है अंबाला कैंट, 10:28 पर 2 मिनट का इसका वहां पर वेटिंग है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती है। नेक्स्ट इसका स्टेशन है चंडीगढ़, 11:05 पर, और लगभग रुकती है 8 मिनट के लिए। यहां पर आप उतर करके चाय पानी और फ्रेश हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकती है। और लास्ट इसका डेस्टिनेशन है कालका रेलवे स्टेशन, जो आपका हरियाणा में ही पड़ता है। 11:45 पर पहुंचती है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगती है, और उससे केवल 2 मिनट की दूरी पर सामने आपको दिख जाएगी टॉय ट्रेन, जो चलती है 12:10 पर। दोस्तों डिस्टेंस करती है ट्रेवल लगभग 303 किलोमीटर, 4 घंटे 5 मिनट की इस यात्रा में एवरेज स्पीड रहती है 76.45 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड जो रीचेबल है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। डेली रन करती है हफ्ते के 7 दिन, और सबसे ज्यादा इसके अंदर बैठते हैं वो टूरिस्ट जो शिमला की यात्रा करना चाहते हैं। आप देख रहे थे ट्रेन की स्पीड, हम पहुंच चुके हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन, 10:28 पे, 2 मिनट का वेटिंग टाइम है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। उसके बाद आता है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जो हम पहुंच चुके हैं 11:05 पर। शताब्दी ट्रेन के अंदर 2 तरह के कोचेज होते हैं, एक होता है ईसी और एक होता है सीसी। ईसी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव कार, और दूसरा होता है आपका चेयर कार। अभी जो हम बात करें एट प्रेजेंट जो अभी चल रहा है कोविड काल के दौरान, जब इसमें कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पेंट्री कार उपलब्ध नहीं है, तो हमारा किराया लगवा है। डायनेमिक प्राइस अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ता है, 585 वैसे किसी दिन रहता है, लेकिन अभी मैंने जो बुक किया है वो किया है 615 में, और अगर मैं एग्जीक्यूटिव कार करता तो वो आपकी पड़ती लगभग 1110 रुपये। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी नाश्ते वास्ते कोई जुगाड़ी नहीं है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप देखिए जैसे चेयर कार के अंदर ये ऐसे आप टेबल ओपन हो जाती है, और इस पर रख के आप कुछ भी खा पी सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कार में क्या होता है कि आगे प्रॉपर बेंच लगी होती है, और बेंच पे रख करके आप आराम से नाश्ता पानी कर सकते हैं।
और कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी सारी सुविधाओं की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो YT भारत के पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, जिसे मैंने बताया है कि टॉय ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं, कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिमला के इस ट्रेन सफर में पहली ट्रेन की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो थी न्यू दिल्ली से कालका, और अब हम खड़े हैं टॉय ट्रेन के सामने, जो है कालका शिमला स्पेशल टॉय ट्रेन, जो लगभग 12:10 पर चलने वाली है। और आप देख सकते हैं आपके सामने कालका रेलवे स्टेशन है। इस शेड के अंदर और भी कई सारी टॉय ट्रेन लगी हैं जो अभी नहीं चल रही हैं, कोविड के बाद ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी। नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है, रिफ्रेशमेंट के सारे इंतजाम हैं और अब हमारा अगला सफर शुरू होने वाला है। कालका से शिमला के इस बहुत ही रोमांचक सफर को देखने के लिए आपको जाना होगा शिमला ट्रैवल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पर। उसके लिए सबसे पहले आपको YT भारत चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करना होगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबा करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुरंत आपको मिलती रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव ट्रैवल ब्लॉग वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं अगले शिमला ट्रैवल सीरीज के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार।